नमस्कार दोस्तों, सीए न्यूज चिड़ावा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। झुंझुनू जिले के सिंघाना में चोरों के हौसले बुलंद हैं। झुंझुनू दिल्ली मार्ग पर पाल मिडवे के पास अनाज की दुकान अनिल ट्रेडिंग कंपनी से चोरों ने करीब 60 क्विंटल गवार चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार खेतड़ी के रहने वाले अनिल गुप्ता ने पाल मिडवे के पास अनाज की दुकान कर रखी थी। शाम को अनिल गुप्ता ने 6 बजे दुकान बंद करके अपने घर पर चले गए। रात को अज्ञात चोरों ने दुकान के आगे गाड़ी लगाकर गवार भरकर ले गए। सुबह जब उधर से गुजरने वाले परिवार के ही व्यक्ति ने दुकान खुली देखकर फोन किया तो मालूम पड़ा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था और उसमें से गवार गाड़ी में डाला हुआ था। दुकान में रखा पैसे रखने का गल्ला भी चोरों ने उठा लिया, जिसमें 4,000 रुपये बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है तथा आसपास के स्थानों व संबंधित जगह पर सूचना देकर चोरों का सुराग लगाने की कोशिश की। पीड़ित दुकानदार ने थाने में चोरी का मामला दर्ज करवा दिया है। रात को शाम को करीबन 6 बजे 6:15 बजे के दुकान बढ़ा के गए थे घर पे। हम आराम से शांति से आराम से सो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह मतलब हमारा कोई परिवारजन का यहाँ से रोड से गुजरा था हमारी दुकान के पास में से, तो उसने फोन किया कि दुकान टूट गई आपकी। मेरे को फोन किया, मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता है और मेरे भाई को फोन किया। हम दोनों आए, भाई मोटरसाइकिल पे पैदल चल के भाग के आए दुकान के ऊपर, देखा तो दुकान टूटी हुई है पूरी और शटर उसको ऊपर किया हुआ है पूरा, और करीबन 60-70 क्विंटल गुवार ले गए। अब पिकअप में ले गए हैं, टाटा में ले गए हैं, कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी में लेके गए हैं और साथ में गल्ला भी ले गए, जिसमें 3-4 हज़ार रुपये नकद थे और डॉक्यूमेंट्स कागज जो भी कागज थे वो भी ले गए साथ में। और गुआर की 60-70 क्विंटल गुआर लगभग गुआर है करीबन 3 लाख रुपए का लगभग। गुआर की दुकान थी, इसमें शटर तोड़ के 50-60 क्विंटल गुआर भर के ले गए। इनका BTS भी लेंगे और मंडियों में सब जगह आदमी लगा दिए, जहाँ बेचने की संभावना है वहाँ वहाँ सब जगह अपने आदमी लगा दिए, सोर्स लगा रहे हैं, जल्दी खुला सकते हैं। झुंझुनू जिले के खेतरी थाना अंतर्गत राम कुमारपुरा ग्राम पंचायत के गांव धामावाली में सूखे कुएं में शव मिलने की सूचना पर गांव में सनसनी फैल गई। थाना अधिकारी खेतड़ी हरदयाल सिंह ने बताया कि शनिवार को धामावाली गांव में एक खेत में बने सूखे कुएं में एक व्यक्ति का शव होने की सूचना पर मौके पर गए, परंतु रात में अंधेरा होने के कारण शव नहीं निकाला जा सका। रविवार को सुबह ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्रामीणों की सहायता से क्रेन की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। शव की शिनाख्त भीलवाड़ा जिले के गांव गोरकिया निवासी नारायण भील पुत्र पेमाराम के रूप में हुई। इस संबंध में खेतड़ी थाने में 25 दिसंबर को नारायण के परिवारजनों से गुमशुदगी दर्ज करवाई थी कि नारायण मानसिक रूप से विक्षिप्त है तथा वह कई दिनों से लापता है। उसका परिवार वन विभाग क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करता है। शव को राजकीय अजित अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव लगभग 1 माह से अधिक पुराना है। एक व्यक्ति भीलवाड़ा का जो दिमाग से विक्षिप्त था, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसकी आज ग्रामवासियों ने सूचना दी थी कि ग्राम धामाला की ढाणी में एक व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ है जिसकी लाश की बदबू आ रही है, तो जिस पर ग्राम के सरपंच तथा ग्रामवासियों की मदद से डेड बॉडी को निकाला है। जो 1 महीने पहले गुम हुआ था वो नारायण भील है, जिसकी पहचान हो गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है तथा पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। कासगंज के अंदर जो तिरंगा यात्रा के अंदर ABP का विद्यार्थी परिषद का एक जो मारा गया था उसके उपलक्ष उसके द्वारा यहाँ पे मतलब श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया है और हम मांग करते हैं सरकार से कि उसको मतलब शहीद का दर्जा दिया जाए। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के विवेकानंद चौक में ABP की ओर से ABP के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता एवं राहुल उपाध्याय को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कासगंज में हुई तिरंगा रैली में यूपी के कासगंज में समुदाय विशेष द्वारा किए गए हमले में ABP के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता और राहुल उपाध्याय की मौत हो गई थी।
एबीवीपी के जिला कार्यकारिणी सदस्य अशोक शर्मा ने बताया कि यूपी की योगी सरकार से मांग की है कि दोनों कार्यकर्ताओं को शहीद का दर्जा दिया जाए और सरकारी नौकरी एवं मुआवजा भी दिया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई चिड़ावा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के जिला संयोजक आशीष चौधरी, बजरंग दल के नरेश सैनी आदि कई भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना है। हर अपडेट के लिए बने रहिए सीनियो के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करना ना भूलें।